शेयर करने जा रही हूँ अ न्यू वीडियो जो कि है रिव्यू के ऊपर जीएस। तो मैं आज आपके साथ एक ऐसा प्रोडक्ट का रिव्यू शेयर करने आ रही हूँ जो कि मेरा अभी तक का पर्सनल फेवरेट रहा है। और अभी मतलब मेरे को ऐसा लगता है मेरे कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो मैं नहीं रिप्लेस करना चाहूँगी किसी के साथ, क्योंकि मुझे अच्छे लगते हैं बहुत सारे प्रोडक्ट जो कि अफोर्डेबल होते हैं एंड रिजल्ट बहुत अच्छा देते हैं। तो आपका खुद का मन नहीं होगा कि आप उसको रिप्लेस करो, अगर आपको वो स्किन को सूट कर रहे हैं और अफोर्डेबल हैं एंड अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं तो आप क्यों ही रिप्लेस करोगे, है ना। तो मेरे भी कुछ प्रोडक्ट चुनिंदा प्रोडक्ट ऐसे हैं जो मे भी शायद उससे अच्छे प्रोडक्ट होंगे बट मुझे वही प्रोडक्ट ज़्यादा पसंद आते हैं। तो उन लिस्ट में मेरे ये प्रोडक्ट भी इंक्लूड हो चुका है जो कि मुझे अभी तक का मेरा अभी शायद करंटली फेवरेट यही है। और पहले मैं जेल पहले मैं बात बता देती हूँ कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। तो मैं आज जो आपके साथ शेयर करूँ मेरा वो है ब्लू हेवन का वॉक फ्री आईब्रो डिफाइनर जीएस। तो मैं आज आपके साथ इसका रिव्यू शेयर करने जा रही हूँ और ये मेरे पास दो शेड में है, एक ब्राउन डार्क ब्राउन एक ब्राउन और एक डार्क ग्रे। तो मेरे पास ये दो शेड है एंड आई थिंक सो ये दो ही शेड अवेलेबल होते हैं। तो इस दो शेड्स की हम बात करेंगे और बताऊंगी कि ये बेस्ट है या नहीं है और कितने का है, लॉन्ग लास्टिंग है या नहीं, जो ये क्लेम करते हैं उस पर खरा उतरा है या नहीं। तो पूरे डिटेल में अच्छे से आपके साथ डिस्क्राइब करूंगी, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये जी। तो मैं आज आपके साथ जो शेयर करने जा रही हूँ वो है ब्लू हेवन का आईब्रो डिफाइनर और ये है इसकी जो पैकेजिंग है आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आती है। पैकेजिंग अच्छी है अगर हम रेट वाइज बात करें तो, ठीक है। और अंदर से कुछ ऐसा दिखता है ये, ठीक है, पेंशन में जो कि डिफाइनर होते हैं ऑलमोस्ट। इसके पीछे स्पूली नहीं है, बस मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि ब्लू हेवन का एक आईब्रो डिफाइनर आता है जो कि 150 का, उसके पीछे आपको स्पूली मिलेगी। बट अगर आपको स्पूली वाला नहीं चाहिए तो आप 80 रुपीज़ वाले पे भी जा सकते हैं। मैंने 150 वाला यूज़ नहीं किया है, मुझे 80 रुपीज़ वाला ही अभी तक अच्छा लग रहा है। और स्पूली हमारे पास ऑलमोस्ट होती है, ब्रश सेट में होती है तो हमें इतनी नीड नहीं पड़ती है, मेरे को नहीं पड़ती है, तो इसलिए मैंने ये वाले मंगाए थे। एंड इसमें मुझे बहुत अच्छा डिस्काउंट मिल गया था इसलिए मैंने मंगाया, अफोर्डेबल है काफ़ी। और इसका रिव्यू मैंने पढ़ा था तो मुझे इसका रिव्यू भी काफ़ी अच्छा लगा, तो मैंने सोचा चलो एक बार ट्राई करते हैं, अगर अच्छा होगा तो डेफिनेटली मैं आपके साथ इसका रिव्यू शेयर करूँगी। और मैं काफ़ी टाइम से इसको यूज़ कर रही हूँ, आपने मेरा घर पर्पल का हॉल देखा होगा तो आपको पता होगा कि मैंने इसमें क्या क्या प्रोडक्ट्स मंगाए थे। और प्रॉक्स लगा लो 1 मंथ हो गया उस प्रोडक्ट्स को भी आए हुए, तो मैं उसको यूज़ कर रही हूँ रेगुलर बेस पे क्योंकि मैं अपना आईब्रो जो डिफाइन करती हूँ वो रेगुलर बेस पे करती हूँ, मतलब मैं आईब्रो को स्किप नहीं करती हूँ। क्योंकि मेरी जो जैसे मेरे को काजल लगाने की आदत है ना, वैसे मुझे आईब्रो डिफाइन करने की भी बहुत ज़्यादा आदत है। क्योंकि कुछ साल पहले का है या कुछ टाइम पहले मेरी जो आईब्रो थी वो बहुत अच्छे से डार्क या बहुत ज़्यादा हैवी नहीं थी, मतलब बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं थी, तो मुझे ना बनानी पड़ती थी, उसको डिफाइन करना पड़ता था। और अब कुछ इतनी आदत हो गई है कि मेकअप तो के टाइम पे तो हमें बनानी पड़ती है जब हम कुछ अच्छा मेकअप लुक वगैरह क्रिएट कर रहे होते हैं, बट रेगुलर बेस पे मुझे लगाना पड़ता है क्योंकि मुझे एक आदत एक हैबिट बन गई है। क्योंकि जब पता है ना आपको जब काजल लगाते हैं तो अगर आप खुद नहीं लगा रहे हो तो आपको ना आँखें खुद रोई रोई सी लगती है, बेशक सामने वाले को फर्क नहीं पड़ता उस चीज़ का बट आपको लगता है। तो ऐसे ही मुझे लगता है कि अगर आईब्रो डिफाइन नहीं है तो मेरा चेहरा थोड़ा सा अजीब लग रहा है, इसलिए मैं इसको लगा कर रखती हूँ डेली, से मुझे बहुत ज़्यादा आदत पड़ चुकी है। तो खैर अब हम इसकी बात करेंगे, जो इसका जो रेट है वो है 80 रुपीज़ एंड ये जो क्लेम करते हैं वो है 12 घंटे से ज़्यादा ये स्टे रहता है, स्मैश प्रूफ है और वाटर प्रूफ है। तो क्या ये जो चीज़ क्लेम करते हैं वो सही है, तो मैंने यूज़ किया है तो मैं आपको अच्छे से बता पाऊँगी क्योंकि मैंने इसे 1 मंथ तक अप्रॉक्स यूज़ किया है एंड मैं आपको अच्छे से इसको समझा पाऊँगी कि हाँ वाकई में है या नहीं। पहली बात तो जो लोग बिगिनर्स हैं उनको डेफिनेटली ऐसे प्रोडक्ट्स ज़रूर लेने चाहिए कि अगर सस्ते हैं और अच्छे हैं, मतलब अच्छे भी होने चाहिए सस्ते के साथ साथ। कभी कभार ऐसा होता है ना, सस्ते तो होते हैं प्रोडक्ट लेकिन अच्छे नहीं होते, तो वो हमारे सस्ते के चक्कर में हमारे पैसे वेस्ट हो जाते हैं। लेकिन कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो सस्ते भी होते हैं एंड काफ़ी अच्छे भी होते हैं, काफ़ी अच्छे होते हैं वो तो। और कोई प्रोडक्ट ऐसे भी होते हैं जो आपको सूट कर रहे होते हैं लेकिन मेरे को सूट नहीं कर रहे होते हैं, मेरे को सूट कर रहे होते हैं वो आपको सूट नहीं कर रहे होते हैं, तो थोड़ा सा वहाँ भी फ़र्क आ जाता है। लेकिन मेरे को लगता है जो अगर आपके पॉकेट फ्रेंडली हैं तो उन प्रोडक्ट्स को ज़रूर एक बार ही ट्राई देना चाहिए। और अगेन रिव्यू अच्छे हो तो ज़रूर दें, उन पे सोचे नहीं। ऐसे ही मैंने ये ब्लू हेवन का आईब्रो डिफाइनर मंगाया। इससे पहले जो मैं यूज़ करती थी वो आपने मेरे मोस्टली अगर देखे होंगे मेरे मेकअप ट्यूटोरियल, तो मैंने मोस्टली ना प्रोडक्ट जो मेरे आईब्रो फिल करती हूँ मैं आई शेडो से ही कर लेती थी या फिर एक जेल आईब्रो डिफाइनर है मेरे पास मैं उससे कर लेती थी ब्रश की हेल्प से। मैं सही बताऊँ अगर डिफरेंस बताऊँ ना तो मेरे को ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है रादर देन वो जो जेल वाले हम यूज़ करते हैं ना वो बहुत ज़्यादा ना फेक लगता है। और फेक जब आईब्रोज आपके लगते हैं या कोई भी प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हैं या कोई भी मेकअप आप कर रहे हैं अगर वो आपको थोड़ा सा फेक लुक देने लग जाता है ना तो वो इतना मज़ा नहीं आता है। तो रियल होना चाहिए, आपको मेकअप भी करते हो थोड़ा नेचुरल रियल ऐसा लगना चाहिए। उसमें मेरे को थोड़ा सा लगता था कि हाँ मैंने कुछ लगाया हुआ है या सामने वाले को ऐसा फील होएगा और लगता थोड़ा था वो बहुत अच्छे से डिफाइन नहीं हो पाता था। तो मैंने ना सोचा था कि मैं कोई अच्छे से आईब्रो डिफाइनर लूँगी, बहुत टाइम से मैं कुछ ऐसा लेना चाह रही थी कि इस टाइप की शेप में जो होते हैं मेरे को था कि मुझे ये ट्राई करना है इस वाली शेप में। तो फाइनली जब मैं सर्च कर रही थी तो मेरे को ये दो दिखे प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट दिखा तो मैंने सोचा चलो ट्राई करते हैं, तो मैंने इसलिए ट्राई किया। तो मुझे अब जब मेरे पास आया और जब मैंने इसे यूज़ किया तो
तो डेफिनेटली आप इसको ट्राई कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। अब मैं इसकी आपको मेन बात बता देती हूँ। तो यहाँ पे आपको जो पैकेजिंग मिलेगी, आपको पैकेजिंग पे ही एक्सपायरी डेट मिलेगी, ठीक है, बट इस पे आपको कोई एक्सपायरी डेट नहीं लिखी होगी। तो क्या होता है, हम पैकेजिंग को बहुत देर तक या बहुत टाइम तक संभाल के नहीं रख पाते हैं, हम कभी ना कभी उसे यूज़ मतलब हटा देते हैं कि ठीक है हमें प्रोडक्ट यूज़ करना है, क्योंकि ऑलमोस्ट प्रोडक्ट्स पे एक्सपायरी डेट्स लिखी होती है और एक्सपायरी डेट देख के मस्ट यूज़ करना भी होता है क्योंकि हमारी स्किन की बात है। इस पे ऐसा कुछ नहीं, अगर इस पे एक्सपायरी डेट मेंशन होती तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता, रादर देन उन्होंने इस पे एड्रेस मेंशन किया है तो एड्रेस ना देके मैन्युफैक्चर डेट और एक्सपायरी डेट लिख देते तो और ज़्यादा बेस्ट होता। नेट वेट लिखा हुआ है इस पे। तो अब बात करते हैं कि डिफाइनर, मैंने ना अभी जो आपके सामने ये ट्राई किया है और आपको मैं यहाँ पे दिखा भी देती हूँ प्रैक्टिकली कि मैंने कैसे डिफाइन किया। तो अगर आपको कुछ डिफरेंस दिख रहा होगा तो मैंने दो शेड्स मंगाए हैं, ये ब्राउन और एक ये डार्क ग्रे, और ये दो ही शेड्स अवेलेबल थे और ये मुझे पड़े थे अप्रॉक्स 48 रुपीज़ के, क्योंकि मुझे 50% तक मुझे डिस्काउंट, बहुत अच्छा डिस्काउंट मिल गया था, तो मैंने दोनों ही शेड्स ले लिए क्योंकि मुझे था कि मे बी शायद ब्राउन अच्छा ना लगे या ग्रे अच्छा ना लगे, क्योंकि जब हम किसी को ट्राई कर रहे होते तो हमें इतना कन्फर्म नहीं होता है। तो मैंने कभी ग्रे ऐसे डिफाइनर यूज़ नहीं किया, ब्लैक किया है या फिर ये ब्राउन तो किया ही है, तो मैंने सोचा ट्राई करते, मैंने ट्राई किए, दोनों ही शेड्स मंगा लिए थे, दोनों ही काफ़ी अच्छे हैं। अगर हम बात करें दोनों की वॉट की, ये 12 घंटे स्टे रहते हैं, तो हाँ 12 घंटे कहेंगे या जब तक आपने मेकअप लगा रखा है जब तक तो अच्छे से स्टे रहता है। साथ के साथ ये क्लेम करते हैं कि ये स्मश प्रूफ है जीएस, तो ये स्मश प्रूफ भी है, ये तुरंत ऐसे हटता नहीं है आपके फेस से या स्मश नहीं होता है। तीसरा ये वाटर प्रूफ है जीएस, वाटर प्रूफ भी है, तुरंत नहीं हटता है, ठीक है। तो ये आपको एक शेड मिलेगा, ये क्वांटिटी भी इसकी काफ़ी अच्छी, अगर आप देख पा रहे होंगे मैं आपको दिखा देती हूँ, देखिए काफ़ी अच्छी क्वांटिटी है इसकी, और ये है ग्रे शेड, और दूसरा जो मैंने मंगाया है वो है ये ब्राउन शेड। तो अगर हम बात करें तो मेरे को ज़्यादा जो अच्छा लगा वो थोड़ा सा मुझे ब्राउन शेड ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि ये क्रीमी टेक्सचर में है, दोनों ही क्रीमी टेक्सचर में है वैसे तो, बट ये थोड़ा सा जल्दी अप्लाई हो जाता है। और आपने मेरा आईब्रो डिफाइन मैंने अभी आपको करके दिखाया, वो आपने देखा भी होगा कि ईजिली अप्लाई हो रहा था, बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाने पड़ रहे थे, इसमें थोड़ा सा मुझे एफर्ट लगाना पड़ रहा था, लाइक मुझे ना थोड़ा सा करना पड़ रहा था, चलिए बहुत ही स्मूथली अप्लाई हो रहा था, ये इसमें एफर्ट्स लग रहे थे तो, बट ठीक है जब हम डिफाइन कर रहे हैं थोड़ा लाइट ही हमें डिफाइन करना चाहिए। तो बाकी कलर की अगर आप जो चूज़ करना चाहें ब्राउन या ग्रीन, जो बहुत ज़्यादा डिफरेंस, मैंने इसमें ब्राउन लगाया हुआ है इस पर ग्रीन, तो आप डिफरेंस देख सकते हैं, शायद कैमरे में इतना अच्छे से कैश नहीं हो पा रहा होगा, लेकिन डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन शेड में नहीं है, ये अलग ही दिखेगा। तो मैंने ये वाले ट्राई किए हैं, मुझे काफ़ी अच्छे लगे, रीजनेबल है, एंड जो बिगनर्स हैं वो डेफिनेटली इनको ट्राई कर सकते हैं, रीजनेबल अफोर्डेबल अगर मेकअप देख रहे हैं जो बिगनर्स हैं, जो जिनको लगता है कि उनको बहुत ज़्यादा अपने मेकअप प्रोडक्ट्स पे इन्वेस्ट नहीं करना है, तो वो डेफिनेटली इस पे जाएं, जाना माना ब्रांड है, अच्छा ब्रांड है और कोई साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि अगर आप आईब्रो डिफाइनर को लोकल वाला खरीदते हैं 10-20 रुपये का जो भी आता है मार्केट में या 50 रुपीज़ का भी, तो वो आपको साइड इफेक्ट दे सकता है। ये प्रोडक्ट है मतलब ये ब्रांड है, तो ऑब्वियसली बात है अच्छा रीजनेबल है, तो आप इस पे जा सकते हैं एंड काफ़ी लॉन्ग टर्म तक चलने वाला है आपका, ये 1-1.5 साल तो कहीं नहीं गए आपको अगर आप रेगुलर बेस पे भी ट्राई करते हैं। तो मुझे अच्छा लगा, मैं आपको जरूर रिकमेंड करूँगी कि आप इसको ट्राई कर सकते हैं, मे बी आपको ऑफर में ना मिले तो 80 रुपीज़ भी इनफ है, और अगर आप इस पूली वाला चाहते हैं तो आप 150 में भी जा सकते हैं, वो 150 के अराउंड है, तो वो मैंने अभी ट्राई नहीं किया है, ठीक है। कभी आपको है कि आपको देना उसका रिव्यू था, मुझे जरूर बता दीजिएगा, मैं उसका भी ट्राई करके आपको बता दूंगी वो कैसा है। लेकिन बिगनर्स के लिए या कहूँ कि जो अच्छे से मेकअप भी जानते हैं और जिनको मेकअप इन्वेस्ट करना भी अच्छा लगता है, तो वो इसको भी ले सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि ये बेकार प्रोडक्ट्स है या सस्ता है, तो बस ऐसे वाला नहीं, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, आप इस पर जाए ट्राई करें, मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्रीमी टेक्सचर में है आपको मिल रहा है, आपकी पैकेजिंग बहुत अच्छी मिल रही है, आपको क्वालिटी बहुत अच्छी मिल रही है, आपको क्वांटिटी बहुत अच्छी मिल रही है। अप्रॉक्स अगर हम 80 रुपीज़ की बात करते हैं तो वैसे तो आपको ऑफर में मिल जाएगा, 100% आपको कहीं ना कहीं किसी वेबसाइट पर ऑफर में तो मिल ही जाएगा, तो कुछ ना कुछ तो ऑफर मिलेगा ही मिलेगा, पर अगर हम 80 रुपीज़ की बात करते हैं, अगर आपको ये 1.5-2 साल भी चल रहा है तो बहुत ज़्यादा अच्छा वाला प्रोडक्ट है, तो आप इसको डेफिनेटली ट्राई करें। क्रीमी टेक्सचर है जिसमें मैंने आपको बताया, ये मैं आपको एक बार और ट्राई करके दिखा देती हूँ, ये देखिए, ये थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ रहा है इसमें, ये थोड़ा क्रीमी टेक्सचर नहीं है, ज़्यादा नहीं है, है लेकिन बस ज़्यादा नहीं है ब्राउन के कंपेयर में, और ये देखिए ये ब्राउन है, ये इसको हम, ये कुछ इस तरीके के शेड है, तो हाथ पे तो यार, और आईब्रो लाइट ही होना चाहिए, ये डिफाइनर जो है थोड़ा सा कलर लाइट होना चाहिए, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं होना चाहिए, वो वरना फेक लगता है। तो आईब्रो डिफाइनर के अकॉर्डिंग कलर काफ़ी अच्छा है, मतलब बहुत ज़्यादा डार्क नहीं है, बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन नहीं है कि हाँ आपके अगर आप आईब्रो डिफाइन कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा फेक लगे, नेचुरल लुक देता है, आपने इसे देखा होगा, मैंने लगा रखी है, तो इससे पहले भी जो आपने मेरे को देखा होगा, मैं आपको फोटो लगा दूंगी कि बिना आईब्रो डिफाइनर के मेरा लुक कैसा था और अब कैसा है, तो अच्छा खासा इसमें आपको जो है रिजल्ट दिखता है। तो मैं डेफिनेटली कहूँगी आप इसको परचेज कर सकते हैं, बट ट्राई जरूर करें इसको, और जब ऑफर में है तो जरूर ले लें इसको, 40-50 रुपीज़ का आपको आराम से मिल जाएगा। तो ये था मेरा आज का वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक करना है, कमेंट करना है, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।